हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो V27 डिवाइस के अंदर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। दोस्तों आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसे होता है आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना होता है अपने फ़ोन में, आपके पास कॉल आती है तो आप कॉल रिकॉर्डिंग करना भूल जाते हैं, तो उसमें भी आपको कई चीज़ चॉइस करना होता है कि आपको नए नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना रहता है तो आप उसको भूल जाते हैं नए नंबर की। कभी या किसी दोस्त यार से झगड़ा हो जाता है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसका कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो भी टाइम पे भूल जाते हैं। जब आपके पास कॉल आती है आधी बात हो जाती है, इसके बाद आपको याद आता है कॉल रिकॉर्डिंग करना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को आपको हम मुक्त कराएंगे कि आपको अपने फ़ोन में कभी कॉल रिकॉर्डिंग आपका नहीं भूलेगा। आप नए नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे, आप नए नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, या किसी दोस्त यार किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो उसके भी कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो भी आप ऑटोमेटिक कर पाएंगे, वो भी आपको बार बार ऑन नहीं करना होगा, आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कर पाएंगे, किसी भी दोस्त की कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अपने सेटिंग में चलते हैं, वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना है। दोस्तों आप देख रहे हो जो हमारा डिवाइस है यहाँ पे शो हो रहा है अपने डिवाइस से, मैं आपको बताएं कि आप अपने फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। दोस्तों उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर में अपने डायलर पैड को ओपन करना है जहाँ से आप फोन लगाते हैं। तो आप देख रहे जो हमारा डायलर पैड है यहाँ पे ओपन हो जाता है, आपको डायलर में कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर में आपको मिलता है थ्री डॉट का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन है तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला है कॉल रिकॉर्डिंग, आप देख रहे हैं ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। योलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं फर्स्ट में आपको मिलता है डिलीट रिकॉर्डिंग। दोस्तों जो डिलीट रिकॉर्डिंग है उससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होगा, तो उससे बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएंगे आपके फ़ोन में, तो आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक डिलीट कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको मिला है, ये चीज़ हम आपको लास्ट में बताएंगे, पहले हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको नीचे आना, नीचे आपको मिलता है ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन और उसके नीचे आपको मिलता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, उसके आगे छोटा सा बटन है जिसको आपको इनेबल करना है। तो दोस्तों इसको इनेबल करेंगे तो आपके फ़ोन में जो नए नंबर हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा, जो आपके फ़ोन में सेव नंबर नहीं है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग होगा, जो आपके सेव कॉन्टैक्ट में नंबर नहीं है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। सिंपल आपके जो नए नंबर हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। तो दोस्तों आप या कॉल लगाएंगे या आपके पास नए नंबर से कॉल आएगी या नए नंबर पे आप कॉल लगाएंगे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी, तो उसको कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करते हैं ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाता है, आपको इसको क्लिक कर देना, ये इनेबल हो जाएगा, आपके फ़ोन में नए नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास कोई भी नए नंबर से कॉल आएगा ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है सेलेक्ट नंबर। तो दोस्तों एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको बता दें, जैसे आप अपने फ़ोन में नया नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सेव नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे नीचे आपको मिलता है सेलेक्ट नंबर, तो आपको उस पर क्लिक करना, जो आपके सेव नंबर हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। जैसे आप अपने दोस्त की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, किसी एक दोस्त या दो दोस्त हैं या आपकी फ्रेंड है कोई भी है, आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, एक नंबर या दो नंबर दो चार नंबर हैं ऐसे जिनकी आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज रिकॉर्ड सेलेक्ट नंबर, तो आपको इसको इनेबल करना है, ये वाले बटन को आपको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करते हैं यहाँ पे ऑलवेज रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे आपको मिलता है चूज ए कॉन्टैक्ट, तो जो आपके सेव नंबर है यहाँ पे शो होंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके फ़ोन में जो भी नंबर सेव होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, जिस दोस्त या फ्रेंड किसी का भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग लगाना है उस नंबर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जिसकी भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग लगाना है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे जैसे इसको क्लिक कर देते हैं आप देख रहे हैं इस नंबर को आपको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इस नंबर से हमारे पास कॉल आएगी या हम इस नंबर पर कॉल लगाएंगे हमारे पास ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमें नहीं करना होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको दो चार नंबर लगाने हैं तो आपको बार बार यहाँ पे क्लिक करके चॉइस चूज से कॉन्टैक्ट पे आपको नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। एक ही बारी में सभी नंबर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होंगे, एक एक नंबर को आपको बारी बारी यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड करना होगा, इसके बाद उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी आपके फ़ोन में। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको आप डिलीट कैसे करेंगे, उसको ऑटोमेटिक डिलीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से बैक होना है और ऊपर में आपको मिलता है डिलीट रिकॉर्डिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं चार ऑप्शन आ जाता है। फर्स्ट नंबर पे आपको मिलता है नेवर का ऑप्शन,
अगर आपको अपने फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं डिलीट करना, आपको अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग को रखना है, तो आपको नेवर के ऑप्शन को क्लिक करना है, योलो ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। अगर आप अपने फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे 7 डे 14 डे 30 डे यहाँ पे ऑप्शन है, आपको तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उतना दिन आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा, इसके बाद आपके फ़ोन से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको चॉइस करना है, हमें कितना दिन अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग रखना है, और इसी तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इतना दिन आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा, इसके बाद आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे 30 दिन यूज कर रहे हैं, तो हम जैसे 30 दिन पर ऐसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आता है, आपको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद आपके फ़ोन में 30 दिन तक कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएगा, आपको डिलीट नहीं करना होगा। इससे आपकी जो मेमोरी है वो नहीं भरेगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा सेफ भी रहेंगे, हमारी जो मेमोरी है वो नहीं फुल होती है, और हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका किस तरह से आपको अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।